Hello, Assalamu Alaikum. My name is Mohammed Waseem. I am an engineer by profession. I can teach physics, chemistry, maths to O and A levels. I can deliver the same lectures in English, but this lecture is recorded in Urdu and Hindi just because of Pakistanis and Indians. So, my last topic was Introduction to Chemistry or Atomic Structure in Chemistry. Now, I'm going to the lecture of chemical bonding. So, chemical bonding. आपने देखा होगा, पास में सुना होगा, chemical bonding के बारे में पढ़ा भी होगा. पहला सवाल यह है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग की तरफ जाता ही क्यों है? सबसे पहली बात तो यह है, बॉन्डिंग क्या होती है? जुड़ जाना, चिपक जाना, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह यह है, सबसे पहले तो यह है कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्यों है? बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी. अनस्टेबिलिटी की वजह से केमिकल बॉन्डिंग होती है. अनस्टेबिलिटी कैसी अनस्टेबिलिटी? भाई देखें, जितने भी एटम्स एलिमेंट्स मौजूद हैं एक्सेप्ट द एट ग्रुप एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 7 तक पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सब के सब अनस्टेबल हैं. अनस्टेबल कैसे? उनका जो ऑक्टेट है या उनका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है. कैसे कंप्लीट नहीं? अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 8 ग्रुप्स हैं, 2 फैमिलीज हैं, एक ए फैमिली एंड बी फैमिली. अगर मैं ए फैमिली की अगर मैं बात करूं तो 8 पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं. अच्छा, जो फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप से लेकर 8 ग्रुप्स तक, वन ए से 8A तक, जो फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है, उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा. सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. अच्छा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ कितने सकते हैं? 8 आ सकते हैं. अब ये जो लास्ट वाला जो है वो तो वैसे भी कंप्लीट है, 7 जो है वो इनकम्प्लीट है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन उसे अगर मिल जाए तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा, अभी तो अनस्टेबल है. सिमिलरली जो 1 है उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अगर उसको 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाए तो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा. तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स, एटम्स, ये सब बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं. अब बॉन्डिंग में होता क्या है, बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, ये मैं आगे बताता हूँ आपको. जैसे कि अगर मैं बात करूँ ग्रुप 1 की, तो इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. इसको कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स तो इसको कोई देगा नहीं. और सिमिलरली ये जो ग्रुप 7 है, ये जो ग्रुप 7 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. इसको 7 कोई नहीं दे सकता, और ये अपने 7 के साथ किसी को नहीं दे सकता. तो होगा क्या, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देकर इसको 8 कर देगा, इसके कंप्लीट 8 हो जाएंगे, और इसका जो ये जो शेल था जिसके अंदर 1 था वो अपना 1 भी देके अपना पिछले वाले शेल को कंप्लीट कर लेगा.
नाउ अब दोनों के दोनों स्टेबल हो चुके हैं, लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये एक नेगेटिव और ये एक पॉजिटिव आपस में मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग। नाउ अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग होती कितनी टाइप्स की है। तीन टाइप्स, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। वैसे तो और टाइप्स की भी होती है, जैसे मेटल्स में बॉन्डिंग होती है, इस टाइप की बॉन्डिंग भी होती है, लेकिन मेनली मुझे जो डिस्कस करनी है वो ये तीन टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनिक बॉन्डिंग, देन कोवेलेंट, देन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। अब मैं आपको अपने लेक्चर में पीछे की तरफ अगर मैं लेकर जाऊँ और मैं आपको ये दिखाना चाहूँ कि मैंने आपसे ये कहा था कि देयर आर एट ग्रुप्स, 1 to 8। अब इसमें जो ग्रुप 1 है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिमिलरली चलते 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 8 इलेक्ट्रॉन्स तक बात जा रही है। और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो 1 ग्रुप का ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले नहीं सकते, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देते हैं। मैंने क्या बात कही, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन। इस ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्डिंग होती है दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर दें, द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्डिंग। तो उस ट्रांसफर होने, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से क्या होता है, एक एलिमेंट के ऊपर या एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल है Na और Cl की, Na इज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, Cl इज सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग जो हो रही है दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और अपने ऊपर कौन सा चार्ज ले देता है, पॉजिटिव चार्ज, और वो उससे इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले लेता है। ये बात मैं कल भी बता चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो जब सोडियम या Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर कर रहा है तो इट मीन्स वो अपना 1 नेगेटिव किसी को दे रहा है तो वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो रहा है, और Cl 1 नेगेटिव लेके खुद ब खुद नेगेटिव हो रहा है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान की जो अट्रैक्शन है दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, हर नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दैट टाइप ऑफ रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयोनिक बॉन्डिंग इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकेंड इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आपसे सिर्फ 2 ही ग्रुप्स की बात की थी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। यहां पर मैंने सारे ग्रुप्स के नाम लिख दिए, अभी मैं आपसे सिर्फ 1A की बात कर रहा था, थोड़ी बहुत मैंने 2A की बात की और फिर डायरेक्टली मैंने 7 की बात।
मैं 8 की बात नहीं कर रहा बिकॉज वो तो ऑलरेडी स्टेबल है. अच्छा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6 और लास्ट वाले के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इसको कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 7 मोस्टली जो आयोनिक बॉन्डिंग जो करेगा वो 1 ए के साथ करेगा. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना शेल को कंप्लीट करने के लिए, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है. यहाँ पे भी आयोनिक बॉन्डिंग है, ये भी आयोनिक बॉन्डिंग है. अब इससे आगे जब बात जब जाती है, अगर मैं बात करूं 4 की, 4th ए ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4. और इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4. अब इसको 4 कोई एलिमेंट, 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई भी नहीं देगा. हाँ, अगर उसको एक चाहिए था तो दे दिया, 2 चाहिए थे दे दिए. अब बात आ गई है 50-50 पर. 50-50% पे कोई भी काम किसी को ऐसे ही नहीं दे देगा, वो उस पर कुछ ना कुछ शेयरिंग करेगा, क्योंकि अब आधे इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हैं, आधे इसके पास नहीं है, तो अब ये आधे किसी से ले नहीं सकता, ये आधे पर शेयरिंग करेगा. तो अब वो जो शेयरिंग जो होगी, जो बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग. मैंने एक बात की, शेयरिंग की वजह से जो भी बॉन्डिंग होगी दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग. जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे कार्बन की, तो कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसको कंप्लीट करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो ये अपना आपको कंप्लीट करने के लिए 4 अलग अलग कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा. पहली ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ, जिसके आउटर मोस्ट एक ही शेल है जिसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. वो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हैं. कार्बन को ऐसा लग रहा है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, हाइड्रोजन को ऐसा लग रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, लेकिन हुई क्या है, यहाँ पर हुई है शेयरिंग. तो इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्डिंग जो वजूद में आई, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग. सिमिलरली यहाँ पे वो एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर वो एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और इस तरह से वो बन जाएगा CH4. कोवेलेंट बॉन्डिंग वीकर बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है. दैट इज वाई आयोनिक बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड्स हम देखते हैं, यूजुअली वो ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं. कोवेलेंट बॉन्डिंग की जब हम ज्यादातर देखते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं. जैसे यहाँ पर CH4 की आपने एक एग्जाम्पल देखी. CH4 क्या है? CH4 मीथेन गैस है, जो कि चूल्हों में आ रही है, घरों में खाना पक रहा है, उससे वो क्या है, तो कुछ वो गैस है. इस तरीके से आप पेट्रोल देख रहे होते हैं, पेट्रोल क्या है? लिक्विड है. वो क्या है? वो कोवेलेंट बॉन्डिंग. आयोनिक बॉन्डिंग सॉलिड, सॉल्ट, नमक, ये क्या है? ये सॉलिड है, आयोनिक बॉन्डिंग. तीसरी और लास्ट जो कि कोवेलेंट की ही एक स्पेशल टाइप है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? इसके अंदर लोन पेयर शेयर होता है. अब तक क्या शेयर हो रहे थे? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था. अब पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, जिस पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर एक कंपाउंड या एक एलिमेंट दूसरे से शेयर करता है. इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं. नेक्स्ट पेज पर NH3 से NH4 बना. ये कैसे हुआ? NH3 कुछ इस टाइप का होता है कि उसके पहले शेल में तो हर किसी के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. उन 5 में से 2 का पेयर बना हुआ होता है, बाकी 3 जो होते हैं वो सिंगल सिंगल होते हैं. अब वो अपने पेयर कंप्लीट करने के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं.
जो कि हाइड्रोजन के साथ हुई हुई है, रह गया रिमेनिंग एक जो कि पूरा पेयर बना हुआ है, दैट पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर, दैट पेयर इज कॉल्ड लोन पेयर। अब एक हाइड्रोजन इससे आके ऐसा टकरा जाता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज का मतलब यह है कि उस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उस हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली हाइड्रोजन है। अब वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अपना लोन पेयर उस हाइड्रोजन के साथ शेयर करके क्या बना देता है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर मैंने आपसे तीन टाइप की बॉन्डिंग डिस्कस की, आज का टॉपिक था केमिकल बॉन्डिंग, तो मैंने आपसे तीन टाइप की केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस की। पहली आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग, और भी टाइप की बॉन्डिंग्स होती है, लेकिन खैर यहीं तक आज का लेक्चर था, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप आपको समझ में आई होंगी, एंड दैट इज़